और ये ना उस दीवार की वजह से इस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, शायद हमारी वो नीचे जगह पड़ जाती है तो ये फ्लैट दिखाई नहीं देते हैं। मौसम को देखते हुए मैं सोच रही थी कि आज कहीं घूमने जाया जाए, मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन ये देखो, वसुंधरा के वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है और वसुंधरा के गेट पे ही ये आ गया, तो यहाँ से भी नहीं निकल पाएगी अभी। इधर भी खोद दिया, ये देखो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। जब बन के रेडी होती है ना चीज़ें, जब रोड वगैरह बन जाती हैं, ये आगे वाले में इधर जो बिल्कुल इसके साइड में है, यहाँ पे भी नींव खोदी है, उसको पता नहीं क्यों खोदा गया, इतना लंबा खोद दिया, वहाँ क्या पाइप डलेगा। क्वालिटी यहाँ की मिट्टी की जो है ना, इतनी बढ़िया है, एकदम रेत जो है जो अंदर से पूरी रेती थी पहले, यहाँ गंगा जी बताते थे कि यहाँ गंगा जी की पूरी इतनी बढ़िया क्वालिटी है, बहुत बढ़िया। और नज़ारे देखो कितने सुंदर हो रखे हैं। यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्कूटर तो उधर खड़ा कर दिया था, लेकिन गाड़ी इधर वसुंधरा में खड़ी करी थी। और वैसे भी संडे है तो बहुत, दो दिन तो बहुत रश था, आज शायद थोड़ा कम हो जाए। मैं राज में ना तुरंत रात को तो याद आती नहीं है, सुबह सुबह याद आती है। क्या बनाए राजमा बनाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा बनाऊंगी। और ये वाली जो वाइट राजमा है ना, ये तुरंत ही ये बहुत जल्दी बन जाती है। कल परमार्थ मतलब परमार्थ के अपोजिट साइड अपने साइड बैठे हुए थे, तो परमार्थ निकेतन में वहाँ शायद ना कुछ कथा चल रही है, तो कथा होने से पहले या फिर कथा के बाद वहाँ पे रात को कीर्तन होता है घाट पे, जब आरती वारती ख़त्म हो जाती है ना, और वो कीर्तन की आवाज़ इतनी अच्छी आती है, ऐसा मन कर रहा था कल तो कि उड़ के चले जाऊँ और वो कीर्तन सुन लूँ। आज उधर की तरफ जाऊँगी थोड़ा लेट होते हुए, तो कल मैं रेनू से कह रही थी, मैंने कहा कीर्तन सुनने चलेंगे, कीर्तन अच्छा लगता है, कीर्तन में बैठना, ढोलक चिमटे की एक अलग वाइब्रेशन होती है। तो वो पहले भी मेरे को आवाज़ आ रही थी और कल तो फाइनल हो गया, फिर मैंने कंफर्म किया तो पता चला कि रोज़ डेली वो कीर्तन करते हैं घाट। कटहल भी लाई थी, कटहल भूल गई, और दिया को तो कटहल बहुत अच्छी लगती है। मैं शाम तक का काम ख़त्म करके रख देती हूँ, ये भी बोलते थे कि एक बार में दो सब्जियाँ बना दे ताकि पूरे दिन वो मतलब उसमें दिन में खा सके, बार बार का चक्कर ना रहे। और फिर क्योंकि हम जैसों को तो भाई चैनल के चक्कर में या वीडियो के चक्कर में कई बार जाना पड़ जाता है, फिर आके कम से कम सब्जी तो बनी हो, फटाफट रोटी सेक लो। मैंने ना दूध एक नए दूध वाले जगह से दूध लगवाया है, क्योंकि ना डेली लेके आना बड़ा आफत था जाम में ना, कि चाय पीनी है, दूध आया नहीं है। कल भी रेनू के यहाँ से दूध मांगा था, डेली अच्छा नहीं होता ना। दूध का नाम लिया, दूध आ गया। ऐसे मैंने आधा लीटर लगवाया है। पता क्या होता है, मैं नहीं रहती तो दिया रहती है, अब वो एक लीटर दूध आता है तो इसीलिए भैया ने हटवा भी दिया था कि भाभी जी आप बीच में बंद कर देती हो। अब आधा लीटर तो दिया डेली स्कूल भी जाती है, वैसे भी घर में होती है तो वो पी लेती है खुद ही लेके, आधा लीटर हो जाता है ख़त्म डेली का। ये मिला है 60 रुपये लीटर गाय का दूध, मतलब मैंने आधा लिया है 30 रुपये का। देखने में तो बहुत ही पतला लग रहा है, देखेंगे आज पी के। और अब दूध ना यहाँ भी थोड़ा कॉस्टली होता जा रहा है। जब हम आए थे 4 साल पहले तो 50 लेते थे, फिर जो गाय का जिससे ले रहे हैं वो 55 दे रहे हैं, लेकिन गाय का मिल ही नहीं रहा है जो, क्योंकि मैं यहाँ रुकती नहीं और वो फिर देते नहीं है। क्या आप रेगुलर लोगे तो देंगे, मम्मी पापा और रहते तो बात अलग थी। दिया की सडनली तबीयत बहुत नासाज हो गई है, तबीयत ख़राब हो गई है। और देखो मैंने बनाए थे कटल तो अच्छी लगती ना दिया, कटल और राजमा और दोनों इसकी फेवरेट चीज़ है। और रेनू आंटी ने भी इसकी फेवरेट चीज़ भेज दी, उन्होंने पोहा भेज दिया, इसको रेनू आंटी का पोहा अच्छा लगता है। और ये बीमारी के कारण आवाज़ भी बंद हो गई है लड़की की। दिया इधर तो देख दे दिया। हमारी सोसाइटी में पार्ट 2 में और पार्ट 1 में बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब क्या हो रहा है कि बुज़ुर्ग जो है ना, पहले हमारे यहाँ तो फिर भी रौनक रहती है पार्ट 2 में और पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ बुज़ुर्ग जाना चाहते, पता नहीं ये उन्हीं में से ही हैं, कह रहे एक तो यहाँ रश बहुत हो गया और क्या कहते हैं मतलब फिर कुछ रौनक भी ख़त्म हो गई है यहाँ पे।
तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं और पता नहीं देहरादून में या कहीं और आसपास के एरिया में जाएंगे। कह रहे कि बुज़ुर्गों के लिए तो बड़ा मुश्किल है ना ड्राइव करना भी, और वो भी क्योंकि रश इतना रहता है, दो दिन तो बहुत ज़्यादा रश था। तो फिर देखो पता नहीं किसका सामान जा रहा है ये यहाँ से। हमारे सामने वाला फ्लैट है ना ये खाली हुआ है अभी, नहीं पता है, हो सकता है मिल भी गया हो। ये लोग जा रहे हैं सामने वाले, पहले यहाँ पे वो डॉगी जो हमारे यहाँ पे थी ना वो उधर आ गई थी, अब ये सामने वाले जा रहे हैं। जा क्यों रहे हैं ये नहीं पता। आज पूरा दिन मौसम अच्छा था और अभी शाम के 6 बजे हैं, लेकिन दिया की हल्की सी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और मुझे कुछ दिल्ली से फ़ोन आ रहे हैं कि उनको पूरे कोरोना वाले सिम्टम हो रहे हैं, लेकिन हमें मेरे को वो नहीं था, मेरे को तो जुकाम वुकाम हुआ था, सारी स्मेल थी, उनको स्मेल नहीं है, दिल्ली में हो रहा था शायद। तो दिया को भी ठीक ठाक है दिया, लेकिन क्योंकि उसको तो कोल्ड होता रहता है, तो मैंने उनको बोला चिंता ना करो, ये इम्यूनिटी पहले वीक हुई थी अब स्ट्रॉन्ग हो रही है दोबारा कोरोना होके। देखो मिट्टी में से क्या खा रहे हैं, अरे बाप रे, आज बहुत लंगूर बैठे हैं और आज रश भी काफ़ी है। मैं भूतनाथ मंदिर की तरफ सोच रही थी, शमशान भूमि का स्थान भी बढ़ता जा रहा है, आगे चिताएं आगे आती जा रही हैं। बहुत रश है, बहुत रश। मैंने आज एक वीडियो डाला था, देखो पहले शमशान यहाँ, ये शमशान घाट है और उधर चिता जल रही है। आज मैंने एक वीडियो डाला था ना अभी थोड़े दिन पहले, एक दो दिन पहले कि माँ की डेथ हुई है तो बेटा अंगूठे का निशान लगवा रहा है, मतलब पेपर पे, प्रॉपर्टी के पेपर पे। इनके तो ये छोटे बच्चे भी घुर्राते हैं। देखो अच्छा हुआ मैं इधर से नहीं आई, पूरी रोड की इसको मेरे ख्याल से 1.5 महीने से ज़्यादा होने वाला है, और ये भी खोद दी अब तो, बापरे। टैटू बनवा रहे हैं टैटू, यहाँ तो आज जाया नहीं जाएगा, देख लो कितना रश है। इधर देखती हूँ ये कहाँ निकल रहा है। मैंने ना वो वीडियो इमोशनल होके, क्योंकि वो शर्मा जी बहुत सुनते थे उस गाने को ना, और मेरे को भी सुनवाते थे, देख ये देख, वो शोर मूवी का था तो का है मतलब, वो डाल दिया इंस्टा पे भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, और वो कुछ कनेक्ट कर गया कि अपनी माँ के साइन करवा रहा है। भैया माँ की डेथ हो चुकी है और माता के साइन करवा रहे हैं, तो इतनी इमोशनल हुई पूछो मत। पता नहीं यहाँ से जाने देंगे कि नहीं, ये आम रास्ता नहीं, ये लिखा हुआ है। यहाँ भी देखो रूम देते हैं लोगों को ना, और कितना अच्छा लग रहा है मुझे तो ये, मैं इस एरिया में पहली बार आई हूँ। वो भैया हंसने लगे, देखो आम भी आ गई, वाओ। वो भैया हंस रहे थे, कह रहे आगे रास्ता नहीं है, मैंने कहा मुझे पता है, मैंने कहा जाती तो हंसने लगे, फिर देखने लगे। ऐसे सबको अलाउड नहीं है ना, तो वो क्योंकि सभी आ जाएंगे, हम तो यहीं रहते हैं तो हमें पता भी है। इस ये जो है वो केले के पेड़ में बाहर से दिखाती थी ना तोड़ते हुए कि केले लगे हुए हैं, देखो कैसे केले लगे हुए हैं इधर, आज मैं उस वाले एरिया में अंदर आ गई हूँ, नहीं तो मैं बाहर बाहर से आपको दिखाती थी। और ये देखो, वाह, ये आम भी तोड़ने को, भांग भी बहुत लगी हुई है। अच्छा भांग की और आम की खेती है, ये देखो। मैंने ना वो इमोशनल होके बना तो दिया, मतलब डाल दिया, फिर क्योंकि वो कनेक्शन होता था ना, वो जब भी वो सॉन्ग आता था तो ये मुझे भी बुला के दिखाते थे कि आ जा, क्या कहते हैं, देख सुन इस सॉन्ग, उसको सॉन्ग को सुन, फिर मैं सुनती थी, मैं भी रोती थी खूब। रूम मिल जाते हैं अभी, ये रूम वैसे ही हैं, ये रूम ने पीछे फ्लैट बने हुए। अच्छा फ्लैट बने हुए हैं, चलो भाई भाई साहब ने बताया तो फ्लैट। कहाँ रह रहे हो? मैं गंगासल में रहती हूँ इधर, मैं तो पहली बार इधर आई ना। हेलो भैया, आपको आपके लिए फ्लैट भी दिखा रहे हो, आप सब लोग पहुँचते हो, और इतने जंगल का एरिया है बिल्कुल, गंगा जी पास में। ये तो बढ़िया जगह है एकदम, तो वैसे मिलेंगे ना, फुल फर्नीचर वगैरह तो नहीं होंगे ना। मतलब जैसे कई बार होता है ना कि जब ये सारे खाली हैं यहाँ पे, खाली नहीं है, आते जाते रहते हैं, मतलब आते जाते हैं। हाँ वही, कितने दिन के लिए? 48 फ्लैट है।
तो कितने दिन के लिए मिलते हैं? एक हफ्ते के लिए, किसी को 15 दिन के लिए, एक महीने के लिए मिल सकते हैं? मुश्किल है। अच्छा, वो मुश्किल है, 15 उसके लिए दोबारा वो। पर ये फिर भी ठीक है कि लोगों को मिलते नहीं है उधर, ये यहाँ पे है अवेलेबल, ये दूर करके मिल जाते हैं। नहीं कोई बात नहीं, बढ़िया, बहुत जंगल तो लगा हुआ है पूछे पूरा, और क्या चाहिए, और गंगा जी भी है उधर से। भाई साहब बोल रहे थे कि जो उधर गीता भवन में वो कराने आते हैं ना, पाठ वगैरह जो कराने आते हैं दूसरे बार नंबर 7 में, तो वो महाराज जी वगैरह सारे इधर ही रुकते हैं। कितनी बढ़िया जगह है बताओ, और ये फ्लैट्स हैं देखो, और लेडीज़ के लिए भी सबके, क्योंकि दोनों तरफ गार्ड लगे हुए हैं, और कितना सेफ एरिया है सच में, और है भी कितना शांति वाला। इतनी बढ़िया जगह दिखाई है मैंने, ये लो। ऐसे होता है हमारे साथ तो, कहीं भी घुस जाते हैं बिना बताए। और ये ना उस दीवार की वजह से इन इस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, शायद हमारी वो नीचे जगह पड़ जाती है तो ये फ्लैट दिखाई नहीं देते हैं, या फिर दिखाई देते हैं तो ये वैसे ही रूम लगते हैं। ये गीता भवन जी के शंकर अग्रवाल जी हैं, इनका नंबर नोट कर लो, वैसे मैं डाल भी दूंगी, 8875 7 8875 7 010 010 फिर 10 88 75 70 10 फिर 10 88 75 70 10 010। वाह, मेरे को तो आनंद आ रहा, मैं तो मन कर रहा कि यहीं बैठ जाऊं मैं थोड़ी देर के लिए, कहीं नहीं जाऊं, क्योंकि इतने ऋषिकेश में, इतनी भीड़ भाड़ के एरिया में, ये एरिया पूरा शांति वाला है एकदम से। ये गेट नंबर, ये 6 नंबर है, और गेट नंबर 7 वो उधर है, जो मैं वहाँ से निकल के जाती थी ना हमेशा, तो मैं सोचती थी यहाँ सत्संग वगैरह हो रहा है, सब कुछ होता है। भाई साहब कह रहे हैं 7 नंबर भी है, तो 7 नंबर का भी दिखा देती हूँ, उसमें भी रूम है ऐसे अंकल जी? रूम नहीं है। अच्छा वैसे ही है, ठीक है। मैं कितनी बार यहाँ से, मेरे ख्याल से हजारों बार गई हूँ यहाँ से, हजारों बार नहीं सोइयों बार हैं। ये बीटल आश्रम है, ये गीता भवन का गेट खुला रहेगा, और ये हमेशा यहाँ पे सत्संग होता है, जहाँ पे मैंने एक बार आपको उनसे मिलवाया था, इधर से ही गई थी मैं निकल के, जो लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पे इनके सत्संग होते हैं। ये देखो साधु बाबा सारे यहीं पे हैं। कहाँ से आए आप सब, यहीं रहते हैं? वृंदावन से? अच्छा, अब वो देखो चाय, वो अदरक कूट रहे, अदरक नहीं मसाला, मसाला। और कब कहाँ पत्थर लेके हम लोग चले, सही कह रहे हो, अपनी वही है सिलबट्टा, वही तो है, वही है सिलबट्टा, ग्लास में और लकड़ियां कूट रही है। सरसों का तेल अरहर की दाल, अरहर की दाल और आटा, चावल चावल आटा, ठीक है ठीक है, कल ले आऊंगी मैं। अरे बाबा जी, चार धाम यात्रा के लिए जाएंगे तो पूरी चार धाम यात्रा करेंगे? बाबा जी ने सोचा, मैं ना पैसे भी नहीं लाई थी जो मैं राशन ला के दे दूँ, अब कल स्कूटर पे आके ला के दे दूँगी। बाबा जी बड़े खुश हो गए, क्योंकि अब पैसे भी इतने नहीं थे, और पैसे देने भी हैं राशन से ही, वो खुश हो गए। हालांकि जब शर्मा जी गए हैं ना, तो मैं कम बात करती हूँ, पता नहीं चलता ना, पर अब धीरे धीरे करने लगे, कोई बात नहीं। इतना तो पूछ ही सकते हैं हम उनको, क्या आवश्यकता है क्या नहीं है। और देखो पैसे मांगे भी नहीं उन्होंने, मैंने बोला पैसे मेरे पास दस दस के मैंने खुले रखे थे, लेकिन बोले नहीं राशन नहीं ले आना कल। ये गंगा जी ना उधर से 6 और 7 नंबर से सामने से दिखाई देती है, इतनी बड़ी। मुझे लगता है यहाँ वो बाबा जी थे ना जो सुप्रीम कोर्ट के वो बने थे। एक्चुअली लोग फिर परेशान भी कर देते हैं ना, मिलने जाते हैं, और मैं तो ऐसी पहुँच गई थी, पहुँचते फिर दिखा दिया। और वैसे भी वो जगह बदलते रहते हैं अपनी, वो एक जगह नहीं रुकते। ये शायद गुफा थी, इसको बंद कर दिया गया है, पहले यहाँ पे ना बाबा जी साधना करते थे, अब फॉरेस्ट वालों ने आके ना बंद करवा दिया होगा शायद इसको। वो जो टॉपिक है वो बीच में अधूरा रह गया है, कोई बात नहीं, उसको फिर से दोबारा से वो करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं उसमें, और आपको एक इतना अच्छा ऑप्शन, बहुत सारे लोग मानते हैं, मुझे पैसे का नहीं पता, मैंने उनसे पैसे पूछे थे तो उन्होंने बोला कि वो जो उन्हीं को फ़ोन करेंगे तो वो रेट बताएंगे। मतलब भाई साहब ने बताया नहीं मुझे, मैं सच बताती हूँ, उन्होंने बोले कि
क्या कहते हैं फ़ोन नंबर दे दिया, आप उनको कॉन्टेक्ट कर लेना तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ भी एक बाबा जी की कुटिया लग रही है मुझे। पूरा सजाया हुआ है ना फूलों से। ऐसे साधु संत बहुत हैं जो एकदम एकांत में रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं दीन दुनिया से। ये हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे के साथ इतनी शांति में दूर आके बैठे हैं। वाकई नज़ारे देखो इधर से। उस एरिया को छोड़ के इस इधर कितनी शांति है। आप यहाँ से गंगा जी की आवाज़ सुनिए, ये देखिए। ये जो आश्रम दिखाया मैंने, ये गीता भवन नंबर 6 में है और 7 में से निकल के मैं आई जहाँ मुझे साधु बाबा मिले, जहाँ इनकी ज़्यादातर कथाएँ होती रहती हैं। पीछे का नज़ारा देखिए, एक नाला ये जा रहा है गंगा जी में डायरेक्ट, इधर से नाला जा रहा है गंगा जी का, जल जा रहा है। पता नहीं आगे जाऊंगी तो पता चले, बदबू आ रही है, नाला है। देखो कोई वो नहीं है, नमामि गंगे का कोई वो नहीं है, इधर तो कोई है भी नहीं, डायरेक्ट नाला जा रहा है इस तरफ का सारा। ऐसे पता नहीं कितने नाले गिरते होंगे और ये पीछे से ही गिरते आ रहे हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और पता नहीं कहाँ कहाँ तक। वैज्ञानिक दृष्टि से गंगा जी इतनी प्रदूषित हो चुकी है, इतनी प्रदूषित हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर ख़राब नहीं होता जल्दी। आप ये देखो, मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए कि इस सबसे उसमें नदियों में बहुत ख़राब बताया गया है कि प्रदूषित नदियों में आती है, लेकिन फिर भी जल ख़राब नहीं होता। मोदी जी इस पर नज़र डाल लो। ये डायरेक्ट गंगा जी में ऐसे छोटे छोटे कितने नाले जा रहे होंगे पता नहीं, देख के बड़ा दुख होता है। ये सब शायद शमशान है, राख ये पड़ी हुई है ना। पर वैसे मैं हमने चिताएं जलती हुई कोई इक्का दुक्का देखी है, उधर तो ज़्यादा लकड़ी पड़ी थी, इधर तो ये शायद ना जल आता होगा बह के उनके साथ, क्योंकि शमशान वो है ना, तो इधर से सारा इधर आ जाता होगा। बाबा जी बैठ के शाम को संध्या में साधना करते हैं यहाँ पे। एक बात बोलूँ आपको, कोई अगर रास्ते में चार धाम यात्रा के लिए साधु पैदल चलते हुए दिखाई दें, क्योंकि ये बात पहले मेरे मन में नहीं आती थी, पर उनको पैदल चलते हुए जो दिन को दिखाई दे रहे हैं, तो सामान दिलवा सकते हैं, खाने पीने की कुछ चीज़ें दिलवा सकते हैं, जिनसे कि भाई उनकी यात्रा करने में आसानी हो, पानी की बोतलें दे सकते हैं, तो यात्रा तो है, थोड़ा सा उनको और सहयोग मिल जाएगा इसमें कि भाई आसानी हो जाएगी। क्योंकि रास्ते में ना मैंने ये बातें अभी नोटिस करी, या कहो कि थोड़ा सा माइंड चेंज हो रहा, तो ये बातें दिमाग में आ रही हैं कि कोई पैदल यात्रा कर रहा है साधु, हम कितने साधुओं को जाते देखते हैं, कितने लोगों को देखते हैं, ज़्यादातर साधु बाबा जो पैदल यात्रा कर, पिछली बार भी कितने देखे थे, तो उनकी हम ऐसे राशन पानी, और वो क्योंकि वो खुद ही बनाते हैं, या फिर कभी कभी पैसे भी दे दो तो ऐसे में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका चलते वक्त निर्वाह हो जाता है। देखिए किसी ने तो यहीं बिछौना बनाया हुआ अपना भगवान जी को आके, हो सकता है रात को यहीं सोते हो, गए तो है कोई बाबा जी स्नान करने के लिए। सामने ढलते हुए सूरज के अलग अलग नज़ारे सूर्यदेव के, देखो पहले डार्क थे अब हल्के हल्के ऑरेंज में आ गए, और मैं यहीं बैठ गई आके। अगर ढूंढने पे तो भगवान मिल जाते हैं, तो ये तो जगह है, ढूंढ लेते, अगर खोज में निकलो तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, है ना। तो ये तो जगह है, क्यों नहीं मिलेंगी, ऋषिकेश के आसपास भी अच्छी जगह मिल जाएंगी। चलने का टाइम हो गया अभी, यहाँ बैठ के मन ही नहीं भरता है, और ख़ासकर ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे शांति हो तो फिर तो बात ही क्या। आगे बैठो तो नहीं पता चलेगा, पीछे से हवा तेज चलती है ना यहाँ पे, अभी वो आदमी भी दिखाया था मैंने, उड़ते उड़ते बचा था। वहाँ ना गीता भवन में तो शायद वहाँ पे लगे होंगे पंप, लेकिन ये जो गौशाला का जो है ना, ये जाता होगा शायद सारा का सारा, क्योंकि उधर तो ऐसा हो नहीं सकता कि आश्रमों के वहाँ पे, मैंने देखे भी थे बड़े बड़े दो लगे हुए,
पंप जो होते हैं, मैं उधर पीछे से था वो, ये तो खैर योगिनिकेतन है और मैं इधर जानकी झूले की तरफ आ गई हूँ। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहीं पे पूर्ण विराम दे देना चाहिए, हो गई वॉक। और ज़रूरी भी नहीं है कि जब ज़्यादा ट्रैफिक हो तो अननेसेसरी बाहर निकला जाए पोल्यूशन के लिए। दो दिन रुक सकते हैं हम उसमें, घर पे अपने रुक सकते हैं और ध्यान प्राणायाम मेडिटेशन कर सकते हैं। इधर आ जाओ शाम के टाइम, क्योंकि इधर की साइड कम रहता है। और देखिए, आपको अच्छा, इतना अच्छा ऑप्शन दे दिया, मुझे नहीं पता प्राइस क्या होंगे, वो तो रेट वेट तो वो बता देंगे भाई साहब अग्रवाल जी। तो अब आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं वैसे भी इसको उसमें भी डाल दूँगी, 6 नंबर गीता भवन का है ये, और काफ़ी सारे फ्लैट्स थे और मुझे बहुत अच्छी लोकेशन लगी। और मतलब बिल्कुल ही एकदम जैसे भीड़ से निकल के मैं उधर की तरफ गई गली देख के, और सच में इतना अच्छा, मतलब अलग ही फीलिंग आई एक। तो आप लोग जा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, इतने महंगे होटलों के रेट होते हैं, होटल्स के तपोवन साइड तो बहुत डबल ट्रिपल कर दिए जाते हैं ऐसे टाइम पे। बहुत सारे लोग कपल भी होते हैं जो शांति से जाते हैं, यंगस्टर भी जो होते हैं बिल्कुल एकदम, जिनको चाहिए कि गंगा जी भी पास हो और रिलैक्स करने को मिल जाए। और मेरे ख्याल से किचन का देखो, मुझे पूरा किचन बनी तो हुई है फ्लैट में, अब ये नहीं पता मुझे कि क्या कहते हैं उसके अंदर पूरा सामान है कि नहीं है, तो ये आप उनसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। अब मैं तो ऐसे ही घूमते हुए चली गई, तो एक ऑप्शन दिख गया, आपको दिखाना था, बनाना था किसी और चीज़ पे वीडियो, बन गया लोग ढूंढ रहे थे तो उस पे बन गया, कोई बात नहीं, उसको फिर बना लेंगे। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, हर हर गंगे हर हर महादेव, गीता भवन नंबर 6 और 7 में से 7 में मैं बाद में गई थी, तो ये 6 में है। तो आपको नंबर कांटेक्ट दे दूंगी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लेना, कांटेक्ट डिटेल। और प्लीज़ इंजॉय लाइक लोकल आईडी है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी फॉलो कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के सब्सक्राइबर की वो थोड़ी धीमी हो गई है, बोलती हूँ तो बढ़ा देते हो। माता पिता पेड़ जरूर लगाएं, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, हर हर गंगे हर हर महादेव।